उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के नाम पर बड़े पैमाने पर चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ। बच्चों के वेंटिलेटर खरीदने के नाम पे, तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदने के नाम पे, और इससे संबंधित मैंने अनेकों कागज सामने किए कि जो वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश के ही केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में 10 लाख में खरीदा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरे मेडिकल कॉलेज में 27 लाख, 22 लाख, 35 लाख मनमाने ढंग से खरीद रही है। इसी तरीके से बाईपैप मशीन, इसी तरीके से तमाम ऐसे उपकरण, मॉनिटर, तमाम ऐसे उपकरण जो बाजार में सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, वो उपकरण उत्तर प्रदेश की सरकार 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगे दाम पे खरीद रही है। इसको कहते हैं शमशान में दलाली खाना, इसको कहते हैं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। आप बच्चों के वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए कि खुद मंत्री इस भ्रष्टाचार के समर्थन में बयान दे रहे हैं, स्वयं सुरेश खन्ना जी इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सारे घोटाले हुए हैं, सारा भ्रष्टाचार हुआ है। कई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने बढ़े दामों पर खरीद की है। एसजीपीजीआई इतना प्रतिष्ठित अस्पताल, लोहिया संस्थान इतना प्रतिष्ठित अस्पताल, यहां पर महंगे दामों में वेंटिलेटर की खरीद हुई है, और एक ही कंपनी से एक ही तरह का वेंटिलेटर महंगे दामों पर खरीदा गया है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। तो इसलिए इन सभी लोगों के खिलाफ, जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना है, इनके प्रमुख सचिव आलोक कुमार है, एसजीपीजीआई के डॉक्टर सोनिया नित्यानंद है, और लोहिया संस्थान के डॉक्टर हैं, ये तमाम आर के धीमान, ये तमाम जो है वो लोहिया संस्थान के डॉक्टर सोनिया नित्यानंद हैं और आर के धीमान जो है वो एसजीपीजीआई के हैं। इन सब लोगों के खिलाफ, और जिन जो प्रिंसिपल्स इन खरीद में शामिल हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज के हों, उन सब के खिलाफ मैंने एक तहरीर दी है थानाध्यक्ष हजरतगंज लखनऊ को, और उनसे इन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इसको मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा और न्यायालय में 156(3) के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। कार्रवाई नहीं होती है तो 6 महीने का इंतजार कीजिए, नई सरकार बनेगी तो इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में होनी चाहिए, सचिवालय में नहीं होनी चाहिए, मंत्रालय में नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये पूरे कागजात, एक एक तथ्य हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीसीएस संघ के अध्यक्ष, जो विधि के अच्छे जानकार हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने ये पूरा एक एक पॉइंट इसका तैयार किया है। वो हजरतगंज थाने में इस तहरीर को देंगे, और इसके साथ साथ अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट भी जाएंगे। हमारी पार्टी के पदाधिकारी लोकायुक्त में भी इस मामले की शिकायत कर रहे हैं, इसकी शिकायत जल्दी कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको हम लोग छोड़ देंगे, इसमें ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें भ्रष्टाचार आकंठ हुआ है, 58 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, और भी तमाम भ्रष्टाचार खुल रहे हैं तो पता नहीं कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये इस मामले को लेके हम लोग हर स्तर पे जाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।